तो ये थोड़ी हेल्प है। तो जी जी बस देखते हैं यार क्या क्या करते हैं। ऊपर सोचा था कि किसी को किराए पे दे देते हैं, ठीक है ना, ये खाली पड़ा है बिल्कुल खाली। तो देखते हैं, अभी तक तो कोई मिला नहीं है। एक फैमिली छोटी सी मिली थी। अच्छा जी, अम्मी के लिए रिजाइन निकालनी है और बाकी कुछ सर बनता है। अच्छा अच्छा, बच्चे के सर बनता है जी इसमें कार्ड में। तो जब ये हुआ था तो पहला बता ना, तो उसकी फुफ्फू ने लिया था इसे। तो कुछ ज़्यादा सामान जो ज़रूरत का है वो हमने आपकी नीचे रखी हुई है। तो पेटी ज़्यादातर समय में फालतू थी, तो इसमें कुछ इतना नहीं रखा हुआ है। जो ना हमारे पास काफ़ी स्टोर रहता है, मार्केट है काफ़ी स्टोर है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं आपके सब खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले काम भी रहे हैं, कुछ बात रहे। तो जी बस आज हम आए हुए हैं ऊपर अपने छत पे, तो आज कुछ छत का मुआयना करने के लिए। एक मिनट ठहर जाए यार, ना कटा के छत पे कुछ थोड़ा सा काम भी था, तो जो ना इसलिए साथ मैंने कहा बेगम के साथ हेल्प करवाते हैं। हेल्प मैंने क्या करनी है, बस ये काम करेगी माय वीडियो में। हाँ कैमरा पकड़ना, तो ये थोड़ी हेल्प है। तो जी जी बस देखते हैं यार क्या क्या करते हैं ऊपर। हाँ जी बस सलाम दुआ कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो अभी बस यहाँ पे जो ना कमरा बंद है, तो यहाँ पे इतनी लाइट वगैरह नहीं है, तो इसलिए जो है ना अगर कोई वीडियो क्वालिटी में कोई फ़र्क आए तो माजरत, ठीक है। तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हमने आपको दिखाया भी था। तो ये देखे ना सारा खाली पड़ा है बिल्कुल, लेकिन हमने सोचा था कि किसी को किराए पे दे देते हैं, ठीक है ना, ये खाली पड़ा है बिल्कुल खाली। तो देखते हैं, अभी तक तो कोई मिला नहीं है। एक फैमिली छोटी सी मिली थी, खाली पड़ा था। फैमिली एक छोटी सी मिली है, तो उससे बातचीत चल रही है। देखें अगर इसको लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको सफाई सफाई करके खुद ही यूज़ करेंगे। चलें निकालें। तो ये भी बस इतना यूजिंग नहीं करते वैसे, बस स्टोर टाइप यानी कि ना हमने वो ऊपर पेटी रखी हुई है, बस जो है फालतू सामान रखा हुआ है। बता दोगी? रिजाइन निकालनी है और बाकी कुछ देखते हैं पेटी में इसमें क्या क्या है। इसने संभाल के रखा हो मुझे तो पता नहीं, कुछ भी नहीं है। देखने बच्चे का एक कार्ड पड़ा है, जो हाथी का तो बाकी बिस्तर पड़े हैं कुछ। तो ये लिया था लेकिन इतना यूज नहीं किया, और इसमें इतना बैठा ही नहीं है मुझे हाथी जो ना छोटा सा। अच्छा अच्छा, बच्चे का सर बनता है इसमें कार्ड में। तो जब ये हुआ था तो पहला पता ना, तो उसकी फुफ्फू ने लिया था इसे, तो इतना यूज नहीं किया हमने। कमर है भाई, लेकिन अम्मी को ज्यादा सर्दी लगती है क्योंकि हम पंखा चलाते हैं। हम पंखा चला के सोते हैं, चाहे कितनी भी सर्दी होना, खुद सर्दी में भी हम पंखा चला के सोते हैं। तो इसलिए जो ना इसको ऐसे करो भाई, इसको पना रखो ट्रंक भी इसके अंदर रखो, अंदर कर दो यार क्या करना भाई, ये बोलते भाई ले आने दो। तो ये देखें, ये देखें जी, अभी इसको धूप लगवाने के लिए जो ना डाल दिया सूखने। और ये देखें जी हमारे साथ साथ जो माशाल्लाह ये हमारा टाउन है जी, रावी टाउन, तो यहाँ काफ़ी जो है ना माशाल्लाह काफ़ी साथ एक स्कूल है, और काफ़ी जो है ना माशाल्लाह बड़े बड़े लोग ही रहते हैं यहाँ पे। पहले क्या चर्ची भी इसके अंदर रख दो, बाहर क्या करना। तो ज़्यादा सामान जो ज़रूरत का है वो हमने आपकी नीचे रखी हुई है। तो पेटी ज़्यादातर समय में फालतू थी, तो इसमें कुछ इतना नहीं रखा हुआ है। रात में केले से रखा है।
ट्रंक भरे भरे रहने तो मेरे एक मानोगे ये स्टैंड और कूलर है इसमें आ जाएगा जंगल ना लगे इसे। चलो ठीक है चलो। बाकी और कोई फालतू चीज पड़ी हुई है इसके अंदर रख दो। वो क्या नीचे पड़ा कपड़ा वाला अच्छा साफ करने के लिए। हाँ चलो ठीक है फिर बंद करो इसे। अम्मी के कपड़े रखने रखने किधर है नीचे पर बाद में रख लेंगे वो ज़रा देर पेटी पे रखकर उठा के रख लेना। अभी रख लो वैसे ऊपर कोई कपड़ा डाल दे यार इस पर वो पड़ा नहीं कोई फल ये वगैरह डाल दे बेचक छोटा है छोटा है यार ना डाल ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे बड़े वाला को ड्रोन खेल रहा है डालना इसको। चलो ठीक है ट्रैंक रखो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है हमारे घर के साथ ये जो देखिए रोड है तो ये इसलिए जो ना हमारे पास काफ़ी स्टोर रहता है मार्केट है काफ़ी वो जो स्टोर है। तो जी भी बस आज का काम इतना ही था तो ग्राहकों को रोशनी पड़ रही है आज का काम इतना ही था ऐसे तो, ऐसे चलेंगे ऐसे नहीं पीछे से रोशनी आ रही। तो आज के व्लॉग में इतना ही था तो जी भी बस इसी के साथ इजाज़त एक नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखा करें और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो इसी के साथ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी लाजमी किया करें।